जी अस्सलाम वालेकुम, तनवीर मुगल हेयर। आज बैरिया टाउन के सबसे खूबसूरत एरिया फेज 8 के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये फेज 8 का सबसे लश ग्रीन एरिया है, जिसको गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और फेज 8 गोल्फ क्लब के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेस इन बैरिया टाउन फेज 8, जिसकी खूबसूरती उसके गोल्फ क्लब की वजह से है, जिसकी खूबसूरती उसके लेविश एरिया होने की वजह से है। इसके साथ पूरा एक जंगलात का, एक ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रीन, फॉरएवर ग्रीन रहने वाला है। इसलिए यहाँ इस गार्डन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी एक डिफरेंट ही वैल्यू है। हमारे पास यहाँ इस जगह पर बड़े महदूद से कुछ 10 मरला के प्लॉट अवेलेबल हैं, कुछ एक कनाल, दो कनाल और तीन कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अभी आप ये जो व्यूज़ देख रहे हैं, इन व्यूज़ के अंदर आपको कुछ ग्रे स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं। एक कनाल, दो कनाल, तीन कनाल की जो लग्जरी लिविंग एरिया हमारा यहाँ पर, उसके अंदर हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास कुछ प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चार चार कनाल के कुछ कमर्शियल प्लॉट हैं, जो बेसिकली रेजिडेंशियल टावर्स हैं। ग्राउंड प्लस 9 की अप्रूवल आपको मिलती है, डेट ऑल इज़ रेजिडेंशियल टावर। ग्राउंड में भी रेजिडेंशियल, टॉप पे भी रेजिडेंशियल, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन बैरिया टाउन फेज 8। आप इन चीज़ों को देखें, इसके लिविंग के एतबार से जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उनको इससे बेहतर रावलपिंडी सिटी के अंदर, इससे लग्जरी प्रॉपर्टी उनको और कहीं नहीं मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ किस्तों के ऊपर अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, किस्तों के ऊपर कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बड़े आसान शराइत के ऊपर आप इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया।